We have witnessed an amazing match tonight. India makes it to the finals, Devanshu. और इंग्लिश क्यों मार रहा है इतनी, ये भी बता दे मुझे, क्योंकि हिंदी में बात करेंगे. ये तो इंग्लिश हो गई. अच्छा इंग्लिश हो गई. तो भाई आज हमें बहुत बहुत बढ़िया इनिंग्स देखने को मिली. ओ भाई क्या इनिंग्स थी, सारे प्लेयर क्या खेले हैं, हार्दिक मजा आ गया भाई मैच देख के. एग्जैक्टली सारे प्लेयर्स, मतलब 9 के 9 प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं. तो कौन से 2 प्लेयर वो कर रहा है यार अपना, शिवम हाँ दुबे, शिवम दुबे नहीं खेलते बढ़िया भाई. 100 की स्ट्राइक रेट से रन मारे. विराट डैडी के बारे में कुछ नहीं सुने भाई, मैं मजाक कर भी नहीं रहा भाई, मुझे अपना क्या बोलते गर्दन प्यारी है भाई मेरे को अपनी. तो गाइस मैच था हमारा इंडिया और इंग्लैंड का, और सेमीफाइनल बदला भाई 2022 का, जो कि बहुत बुरी तरह हारा भाई उन्होंने हमें. बट ये है कि आज पूरा रिवेंज, लाइफ इन अ फुल सर्कल, मजा आ गया मैच देखने में. और रोहित भाई वन साइडेड कर दिया मैच, नींद आ रही थी. इंडियन बॉलर्स ने बोला कि यार तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हैं, तुम सो जाना आराम से. सो जाना अलग है, हमारी डेडिकेशन है, हम इनके लिए वीडियो बना रहे हैं. हाँ भाई हमने अभी लाइव भी करी है और हम वीडियो भी बना रहे हैं. ऐसा थोड़ी है कि हमें पैसा मिल रहा है इस चीज से. नहीं, तुम्हारे साथ प्यार है. और थोड़ा 1-2 प्लेयर्स के लिए हेट, और 1-2 शिवम दुबे और जो यशस्वी भाई बाहर बैठे हैं, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, तो ये 6 प्लेयर्स तो हमें पसंद नहीं. तो नहीं यार बाकी आज बहुत अच्छा मैच था दिवांशु. आज इंडिया के आज स्पिनर ट्रैक था. हाँ हाँ भाई बिल्कुल, स्पिन हो रही थी और इंडिया के स्पिनर्स ने बता दिया कि भाई हम तो ओवर पार करेंगे. हाँ भाई इंडिया के स्पिनर्स ने आउट परफॉर्म कर दिया वहाँ के जो भी हमारे माइनॉरिटीज थी उनको. हाँ कि उनको बोल दिया कि देखो भाई आज के मैच में 7 स्पिनर्स से विकेटें आई हैं, जिसमें से 6 इंडिया के प्लेयर्स की हैं. ओह लेट्स गो मैन, अक्षर पटेल एंड कुलदीप. नहीं तो इंडिया के स्पिनर्स बोल रहा है तो उनमें हम जड्डू भाई की भी एज अ बॉलर तारीफ कर रहे हैं. नहीं हमने यार इंडिया के स्पिनर्स का मतलब ही आज के टाइम पे है कि अक्षर एंड कुलदीप. और कुलदीप से याद आया दोस्तों, आज कुलदीप सर की 200 विकेट हो चुके हैं आईपीएल. और बैटिंग की बात कर लेते हैं दिवांशु. मजे ही मजे, रोहित भाई फॉर्म में थे, फिर से गए. ठीक है अब थोड़ा हम बहुत बार मजाक उड़ाते हैं, बट विराट भाई यार इंटेंट दिखाया, मतलब ट्राई करा. हर रोज नहीं लगते रन, फॉर्म बुरा है, कुछ कर नहीं सकते उस चीज का, हम भी मजाक बनाते हैं. बट मैं आज तेरे से शर्त लगाता हूँ हार्दिक, आज अभी इस वीडियो में कि फाइनल्स में विराट भाई चल रहे हैं. मुझे ये नहीं पता कि कौन से कितने की शर्त होगी ये बता दे. लगा लेते हैं यार चैनल का 100% चैनल का 100, कहीं इसका नाम हार्दिक एक्स क्रिकेट ना हो जाए विराट भाई देख तो फिर तो दोनों चीजें डूबेंगी, विराट भाई का करियर और ये चैनल साथ में. नहीं बट 1000 की शर्त होगी भाई. ठीक है ठीक है. विराट भाई तुम कहते हो ना मैं नफरत करता हूँ उनसे, मैं पैसे लगा रहा हूँ उनके ऊपर, पता है कितनी बड़ी बात है. देख रहे हो सट्टे में, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया पैसे लगाए थे पिछले साल फाइनल्स में. आज के टाइम पे तुम वामिका से भी पूछोगे ना कि अगले मैच में कौन चलेगा, तो वो भी बोल देगी रोहित. और बट उसके बाद यार दिवांशु अपना मिडिल ऑर्डर आता है जिसमें सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि तुम टेंशन छोड़ दो, नंबर 1 T20 बैट्समैन. और फिर उसके बाद हमारे वाइस कैप्टन हार्दिक पांडे बहुत अच्छा कैमियो करके जाते हैं. हार्दिक पांडे को आज फॉर ए चेंज ऊपर बुलाया गया, उसके बाद दुबे को लेके आए. हाँ तो दुबे भाई ने भी ये सोचा ना कि टीम मुझे नीचे लेके आ रही है तो मैं भी टीम को खींच के नीचे लेके आऊं. और भाई बात पता क्या होती है, विराट भाई और दुबे भाई की मेरे हिसाब से ना प्लानिंग होती है दिवांशु. क्या प्लानिंग होती है कि विराट भाई बोलते हैं देख अगर मैं नहीं चला तो तू तो बिल्कुल ही ना चलती हो, म्यूट कर दियो तू तो बिल्कुल ही ना चलती हो कि बात मेरे पे. हाँ भाई वो दुबे भाई रिस्पेक्ट करते हैं विराट भाई की एज अ क्रिकेटर, वो सोचते हैं यार हम नहीं करते कोई तो करे भाई. यार हम भी रिस्पेक्ट करते हैं हार्दिक भाई, और हम हर वीडियो में ये बोल के जाते हैं कि अगले मैच में दुबे भाई और विराट भाई चल गए तो हम उनकी पूरी कॉक सकिंग करेंगे वीडियो में, पर वो मौका ही नहीं दे रहे यार. शायद हमारे मुंह से ही नफरत है ना यार, हर वीडियो में बोलते हैं कि विराट भाई चल गए तो सबसे ज्यादा तारीफ हम करेंगे. अब दिवांशु अब बात ये तेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बन रहा है भाई, अगर अगले मैच में भी स्पिन विकेट आ गई अक्षर तो मेरे को लगता है कि अक्षर लेके जा सकते हैं. जैसे अर्शदीप ज्यादा विकेटों में, रोहित भाई सूर्या के रन हो गए बहुत ज्यादा, बट आप एक बैलेंस्ड प्लेयर देखते हो ना फिर कि संभाल रखा है भाई क्या तो फील्डिंग क्या तो मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छी आज जितना चांस मिला है कि आज भी ठीक था उस टाइम पे. और क्या तो भाई बॉलिंग में तो चलो कुछ बोलो ही मत, बॉलिंग में तो भाई आई थिंक जड्डू भाई जैसे अक्षर पटेल शायद जो बैटिंग में जड्डू भाई ने करा वो नहीं कर पाएंगे कभी, और जड्डू भाई से बेटर और अक्षर पटेल बॉलर है भाई. यू हैव टू चूज योर बैटल्स ना, तो वो वाली बात है कि वहां पे भाई अक्षर भाई ने कैप्चर कर लिया, भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं
यॉर्कशायर भाई वेरी गुड फील्डिंग कर रहे हैं वो। और अब फाइनल आ गया दिवांशु, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, चोकर्स वर्सेस चोकर्स। साउथ अफ्रीका है ऑल टाइम चोकर्स और हमारे इंडियंस हैं शौकीन चोकर्स। ये थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव हम पहुंचे हैं फाइनल्स में, टेस्ट ओडीआई और अब टी20। अब देखते हैं यहाँ भी हम गू खाएंगे खिलाएंगे भाई। मतलब अगर यहाँ भी हार गए तो इसके बाद तो ये होगा कि 5 ओवर का भी कुछ होगा वर्ल्ड कप, तो वो भी हारेंगे हम। पता नहीं, यहाँ तो नहीं हारने चाहिए। अरे भाई पता है वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पता नहीं क्यों। अब जिंक्स नहीं करना चाहता मैं कि सारे मैच जीतते आ रहे हैं, नहीं बट सारे मैच इस बार ऐसा है कि साउथ अफ्रीका भी जीतती हुई है यार। तो अब ये देखना है कि चोक ज्यादा अच्छे से कॉल कर सकता है। अब लास्ट गेम ना इस चीज की नहीं है कि कौन अच्छा खेलेगा, फाइनल इस चीज का है कौन ज्यादा अच्छा चोक करेगा। ये है गेम। बट हार्दिक ऐसा है ना कि साउथ अफ्रीका आ गई फाइनल में, तो ठीक है इंडिया हारेगी बहुत बुरा लगेगा, बट साउथ अफ्रीका जीतेगी तो शायद उतना बुरा ना लगे जितना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जीत जाती। उनका तो चेहरा स्मग होता है ना, वर्ड एक स्मग, कि उनके चेहरे पे वो स्मगनेस है कि आकड़ में रहते हैं, तो वो बड़ा दुख होता देख के। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका विल आल्सो बी वेरी हैप्पी, बट आई थिंक इंडिया अब जीत रही है भाई। जीतनी तो चाहिए यार दिवांशु, अगर क्योंकि और इस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका थोड़ा ज्यादा दबाव है भाई, वो ज्यादा डरे हुए इंडिया से। इंडिया बहुत अच्छा खेलती भी है यार, हार्दिक इंडिया जैसा बॉलिंग अटैक नहीं है किसी टीम का, और यार इंडिया वैसे भी एक साउथ अफ्रीका से बड़ी टीम ही है। हाँ भाई इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। अब बट हार्दिक फाइनल से पहले सिर्फ दिक्कत क्या है कि अपना 2-3 जनों की फॉर्म खराब है। पंत भाई भी ना ऐसा है कि वो तो विराट भाई दुबे भाई ने बचा रखा है, नजर नहीं जा रही उस तरफ, तो मैच जीत रहे हैं और फिर जो नहीं खेल रहे हो बहुत ही गंदा। तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है एक तो विराट भाई का फॉर्म, दुबे भाई का फॉर्म, थोड़ा सा पंत भाई का फॉर्म। मेरे को लगता है बैटिंग में ही है, बॉलर्स में मेरे को लगता है किससे शिकायत होनी चाहिए। बॉलर्स तो सारे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के बॉलर्स ने तो दिखा दिया कि हमसे अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है किसी के पास। फक ऑफ कर दिया सारे बॉलर। और साउथ अफ्रीका के साथ और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने शर्त लगाई थी पहले, फाइनल वन साइडेड होने वाला। अच्छा साउथ अफ्रीका वन साइडेड जीतेगी? नहीं इंडिया जीतेगी वन साइडेड मैच। अगर आप कह रहे हो जैसे आज वन साइडेड हुआ है ना, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच वन साइडेड, मेरे को 108 दिवांशु प्रिडिक्टर भाई, मैं अगर ये सही होगी ना दोनों प्रेडिक्शन की, विराट भाई चलेंगे और वन साइडेड मैच होगा, तो मैं ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजूंगा तुम्हें, वो ज्वाइन करना, मैं दूंगा तुम्हें गाइडेंस, सट्टा खेलेंगे सारे भाई मिलके। नहीं से नो टू सट्टा यार, से नो टू सट्टा, यस टू बैटिंग, यस टू बैटिंग, यस टू बैटिंग, क्योंकि बैटिंग नहीं छोड़ा, क्योंकि बैटिंग तो कर ही नहीं पा रहे ना विराट कोहली। इंग्लिश से क्या है, अंग्रेजों के साथ मैच था भाई, हमारे बापू हमारे अक्षर पटेल का निकले में हार्दिक बापू, तो बापू स्टिल फाइटिंग विद द अंग्रेजीज मैन, वो ब्लड में है, गुजराती खून, द खाखरा एंड द ढोकला एंड द फाफड़ा इन द ब्लड इज रनिंग थ्रू। फाफड़ा तो उनकी फाड़ बहुत बढ़िया तरीके से, एंड गुड मैच यार, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, रात लेट तक भी चला, तो ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है। और मतलब अब पता है जैसे अब ऐसा होगा कि कितनी प्यार से नींद आएगी, कि अब तेरे को ये पता है कि फाइनल में स्पिन आ गई विकेट, तो स्पिनर्स भी अच्छे, फास्ट आ गई तो अपना बुमराह हर्षदीप है ही, क्या नींद आती है यार ऐसे इंडियन फैंस होके, और उड़ ना जाए बस वो तो पता चलेगा भाई। खड़ा हूँ आज से लोकल ट्रेन धंधा चल जाएगा उनका, चल जाएगा छूलू चलेगा उनका या फिर क्या। और फिर हम पे भी तो एज अ कंटेंट क्रिएटर कितना प्रेशर है कि हमें सैडनेस वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा। मैं तो नहीं बनाऊंगा भाई, अपना देख ले। एंड इसी बात पे दोस्तों, फाइनल में इंडिया को जितवाने के लिए इस वीडियो पे एम रखते हैं हम 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक तो बनते हैं, 2000 लाइक का एम रखते हैं। 2000 लाइक का हो जाएगा, 2000 लाइक का एम रखते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, नींद आ रही है भयंकर, ठीक है तो मिलते हैं फाइनल के बाद।